सो है गाइस, की हाल चाल है? सब लोग सारे वधिया होंगे। अज तुहानू ना सिखाउने आ कि म्यूजिक एफएल स्टूडियो ते बणदा किवें आ। मतलब पूरा नहीं दिखाऊंगे, मतलब कल कल को पर्टिकुलरली तुहानू दिखाऊंगे कि अच्छा इदा 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 पैटर्न क्रिएट किए जाते हैं, आ सब कुछ होंगे। तौबा तौबा करन औजला, म्यूजिक ब्रेकडाउन बाय टी एन स्टूडियोज, सोंग डिसकंस्ट्रक्शन डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो सब बाई करके दिखाऊंगा, अगर चेक करते हैं। आज किस वीडियो में करने वाले हैं इस गाने का म्यूजिक ब्रेकडाउन। ऑफकोर्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं होंगी चीज़, ठीक है, पर कुछ कुछ चीज़ा भाई ऑलमोस्ट करके दिखाएगा, है ना। एग्जैक्ट सैंपल्स और एग्जैक्ट ट्यून क्ढनी थोड़ी मुश्किल होंगी है, क्योंकि सानू नहीं पता ना प्रूफ भाई ने कि चीज़ें यूज़ की ना, बट मेरे हिसाब न भाई ऑलमोस्ट सेम बना लूगा। तो तोबा तोबा भाई करण औजला आज के टाइम पे ट्रेंडिंग गाना है, और इस टाइप का म्यूजिक किस तरीके से बनता है, क्या क्या प्लगइन यूज होते हैं, और मैं बिल्कुल भी एक भी सैंपल इसमें यूज नहीं करने वाला हूँ। सारी सब हाथों चीजें खुद हैंडमेड जीरो से स्क्रैच से आपको बना के दिखाऊंगा। वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का और मिक्सिंग मास्टरिंग का ऑनलाइन बैच शुरू। ओके गाइस, यू कैन लाइक टीएन स्टूडियोज बाय द चैनल जाके तुम चेक कर सकते हो। जो थोड़ा लगे तुम म्यूजिक सीखना तो बई में जाके सपोर्ट कर सकते हो, तो बई न जाके अपनी लाइक उन्होंने ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। चुका है जिस भी स्टूडेंट को ऑनलाइन घर बैठे म्यूजिक मिक्स मास्टर पूरा प्रोफेशनल तरीके से सीखना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कोर्स की डिटेल, ठीक है, आप अगे कर दें हमने, तो ये चेक कर सकते हो। सबसे पहले यूज करी गई है एक फ्लूट, साउंड भी होता है। तो ये थी अपनी फ्लूट दोस्तों, ये इसके नोट्स थे, और इसका जो प्लगइन मैंने यूज किया है स्वर प्लग 4 से बनाई है। इंडियन कोई भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट ज्यादा स्वर प्लग थी होता है, इंस्ट्रूमेंट बजाना है भाई स्वर प्लग इज बेस्ट, मतलब वर्ल्ड का बेस्ट प्लगइन है। बिल्कुल बहुत सही साउंड्स रिकॉर्ड किए हैं उन्होंने, हर एक परफेक्ट स्वर थे, आराम से सारी चीजें रियल लगती है, मतलब जेन्युइन 99% तो रियल ही लगती है। नेक्स्ट जो चीज है दोस्तों इसके अंदर आता है एक पियानो कुछ इस तरीके का, तो ये जो पियानो है दोस्तों ये अपन ने बनाया है एडिक्टिव कीज, ठीक है, एडिक्टिव कीज, एडिक्टिव कीज, ये जो पियानो हो गया लाइक बहुत तरीके की चीज़ें ये है, ये सारे प्लगइन अपने को वैसे पाए नहीं, मतलब पावी चीज़ हो गया भुल गया मैं वैसे इन चीज़ों को। एक बहुत अच्छा प्लगइन है, आपको पता है मतलब बड़े बड़े प्रोड्यूसर इसको यूज़ करते हैं, ये वाला प्रीसेट मैंने यूज़ किया है, और इंट्रो के अंदर यही दो इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, एक पियानो और एक फ्लूट, साथ में सुन के देखते हैं कैसा लग रहा है। साली एक ना मक्खी ने बड़ा दुखी कर रखा है, कब दी आ गई बिच है। तो जैसे ही भाइयों इंट्रो खत्म होता है, नेक्स्ट जो पार्ट है अपना वो डायरेक्ट हुक आ जाता है, हुसन तेरा तोबा, सॉरी मैं इतना अच्छा नहीं गा पाता हूँ क्योंकि अपन म्यूजिक प्रोड्यूसर है भाई, तो हुक वाला पार्ट सुन के देखते हैं एक बार, सुन के देखते हैं। ये भाई हुक है अपना, क्या प्यारा हुक बनाया भाई, प्रूफ भाई लेजेंड बंदे हो भाई आप, सलूट है आप, जमा जमा लेजेंड ब्रा। को इसके अंदर पियानो यूज किया गया है सबसे पहले हुक के अंदर कुछ इस तरीके का, सुन के देखिए। तो ये वाला जो पियानो है दोस्तों हल्का हल्का ईपी जैसा साउंड कर रहा है, ईपी यानी कि इलेक्ट्रिक पियानो जो आते हैं रोड्स आते हैं ना, ये वाला एडिक्टिव की से मैंने बनाया, इसमें भर भर के पियानो यूज हुआ भाई, भर भर के पियानो यूज हुआ इसमें। नेक्स्ट जो पियानो है कुछ इस तरीके का है, स्केल्स डिफरेंट करती हैं, साउंड सिलेक्शन डिफरेंट करती है, बट पियानो चेक के रखा भाई ने पूरा, तो इवन के पैटर्न्स तक सेम ने। तो वही सेम नोट्स हैं दोस्तों एग्जैक्टली ऊपर वाले ऑक्टेव में बजाया गया है, थोड़ा सा अप फ्रंट हाउस कीज टाइप का पियानो इसमें यूज किया गया है, और नेक्स्ट जो एलिमेंट है दोस्तों वो हमने किया है थोड़ा सा जुगाड़, है ना, कैसे किया है क्यों किया है आगे बताता हूँ, पहले सुन लेते हैं।
तो अब आप पूछोगे कि सर ये क्या जुगाड़ है, मतलब समझ में नहीं आया। देखो एक पहले तो इन्होंने क्या कर रखा था, इसमें एक इलेक्ट्रिक गिटार यूज कर रखा था, रॉक गिटार, बट वो मेरे पास था नहीं। मेरे पास था ये पिक नायलॉन, बिकॉज मैं होम स्टूडियो सेटअप में इस गाने का डिकंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। मेरे मेन सेटअप पे वो इलेक्ट्रिक वगैरह सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, कॉन्टैक्ट में ये मेलोडी बना ली जैसी उन्होंने बजा रखी थी, फिर मैंने इस पर फ्रूटी ब्लड ओवरड्राइव लगा दिया, जिससे ये सैचुरेट हो गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक रॉक गिटार में फॉर्म हो गया। फिर मैंने इस पर करा EQ, तो मैं दोनों आपको इफेक्ट के साथ और इफेक्ट के बिना सुना देता हूँ। देख लो जमा नॉर्मल है, होना सैचुरेट होके बर्स्ट हो जाएगा। नाइस। तो ऐसा नहीं है कोई बड़ा चेंज आता है, स्लाइड चेंजेज होते हैं, और यही स्लाइड चेंज दोस्तों आपके म्यूजिक को बेसिक से एडवांस पे इंटरमीडिएट लेवल पे लेके जाते हैं, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ड्रम सेक्शन पे अपन आ जाते हैं। ड्रम्स बड़े ही सिंपल है लेकिन मज़ेदार है। तो इस ड्रम पैटर्न में एक जो गिटार है दोस्तों, ये जो बेस गिटार है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सिंपल है। सबसे पहले इसके अंदर एक कश्मीर की किक यूज़ करी गई है। ओके, कश्मीर पैक होता ना जो, हाँ। उसके बाद आता है एक कश्मीर का स्नेयर, लगभग कश्मीर के एलिमेंट्स इसमें यूज करे गए हैं, ये वाला स्नेयर है। इसके बाद आती है एक क्लैप जो कि ऑफ बीट पे यूज करी गई है। ओके, अब बहुत मैं गाना सुनी है, बड़ी प्यारी लगती है। उसके बाद रिदम बनाने के लिए और एक फ्लो मेंटेन करने के लिए क्लोज हैट यूज करी गई है। हाँ। और उसके बाद ग्रूव को फिल करने के लिए एक प्रकसंस का लूप यूज किया गया है, कश्मीर का ये अभी सुन के देखिए। ओके। आहा। तो यहाँ तक आपने अगर वीडियो देख लिया दोस्तों, तो आपसे एक ही सवाल है कि सब्सक्राइब आपने अभी तक क्यों नहीं किया, कर लो भाई जाके, ठीक है, जरूर चेक करो सारे एंड जाके TN स्टूडियो। मजाक सेट के दो, TN ही है ना, तुम कल तो बोला TN दोस्तों, सब्सक्राइब करो यार, बिकॉज मेरा यही मिशन है भाई, जितना मैंने सीखा है ज़िंदगी में आप सभी तक पहुंचाऊं, ठीक है। जो भी बच्चा म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहता है वो भाई पैसे के लिए पीछे नहीं रहे, सीखे, और कमेंट करो कि नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक्स आपको किस चीज़ पे चाहिए, ताकि अपनी एक कम्युनिटी बनी रहे, टीन स्टूडियो फैमिली बहुत बड़ी ग्रो करे, ठीक है। कमेंट करो फटाफट, नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट दोस्तों इसका है बेस, और बड़ा तगड़ा है दोस्तों, सुन के देखो एक बार। ये भी बेस गिटार था, बड़ा ही घुमावदार बेस है यार। दो पैटर्न यूज़ किए गए हैं, ये वाला प्लगइन यूज़ किया गया है एम्पल गिटार का, बेस गिटार, ठीक है। इसका एक खुशखबरी आपके लिए, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। इधर लाइट वर्जन भी मिल रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मज़े से यूज करो और तगड़ा बेस बजाओ अपने गाने के अंदर, लाइव फील आएगी पूरी। नेक्स्ट है FX स्वाइप है और एक क्रैश है। तो इसी के साथ दोस्तों गाना कंप्लीट बना लिया है, इसको वोकल जोड़ के पूरा सुनेंगे। उससे पहले अगर आप भी एक इंटरमीडिएट हैं, बीच में अटक चुके हैं, म्यूजिक में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ, हाँ, तो आप क्लासेस लगा सकते हैं, ठीक है, ये आगे चलते हैं, अच्छा बनाते रहिए, गाना कंप्लीट सुन लेते हैं। दुआओं में मेरे को याद रखना भाई, मैं आपका अपना TN, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। हुसन तेरा तौबा, 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 हुसन तेरा तौबा, 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 ओके भाई ने पूरा नहीं सुनाया क्योंकि कॉपीराइट का मिला था, चक्कर पाया था, तो करके भाई ने सुनाया क्योंकि ऑलमोस्ट सेम मेलोडी है ना, ता करके। सो आई होप तुहानू वधिया लगी होगी चीज़, तो नाल सीखने को मिलता बंदे नू देख के, अच्छा आ चीज़ इदा इदा, लाइक जो पैटर्न फाइंड करना होंगे ना, लाइक थले कीज़ का, वो सब तो जो औखा होंगे। सत श्री अकाल।